कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा की गोरखपुर में आयोजित रैली के दूसरे दिन से ही जिला कांग्रेस कमेटी के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित पार्टी कार्यालय पर किराया नहीं मिलने पर मकान मालिक ने ताला जड़ दिया है, जिसके संबंध में मकान मालिक राजमन राय ने बताया कि 2019 से अब तक एक रुपए भी किराया नहीं मिला, इसलिए कार्यालय में ताला लगा दिया गया है। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव से पहले कार्यालय को 15,000 रुपए महीने पर किराए पर लिया गया था तथा किराए को कई बार जिम्मेदारों से मांगा गया, लेकिन उन्होंने आज देने कल देने कहकर टाल दिया। ऐसे कई साल बीत गए। उन्होंने कहा कि यह बात कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को भी पता है, क्योंकि यह बात जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान हमेशा कहती थी और जल्दी किराया आपको दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा, ताला मारने के बाद किसी भी व्यक्ति ने मुझसे संपर्क नहीं किया। मकान मालिक ने कहा है कि अगर किराए का भुगतान नहीं किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी कार्यालय के मकान मालिक राजमन राय ने कहा, राजमन राय कांग्रेस कार्यालय पर ताला मारा गया, क्या बात? कांग्रेस कार्यालय पर ताला इसलिए मारा गया कि आज तक मुझे किराया ही नहीं मिला है और बार बार मैं मांगता हूँ, बस बात हो गई है, प्रियंका जी से बात हो गई है, अध्यक्ष से बात हो गई है, लेकिन लालीपाप देते रहे। कितने दिनों का किराया बांधी है? लोकसभा चुनाव से ही लेकर आज तक किराया बाकी 2019 से लेकर आज तक अभी तक एक रुपया नहीं मिला, एक पैसा नहीं मिला है। तो अभी बात हुई आपसे, मुझे ताला मारे हैं तो क्या काम है? किससे बात हुई? कुछ बात हुई उन लोगों से? नहीं, ताला मारने बात कोई बात नहीं, कोई मुझसे संपर्क नहीं किया, शर्म लग रहा है। तो अभी आप क्या करेंगे आगे? आगे किराया नहीं मिला, कानूनी कार्रवाई करेंगे।